नमस्कार फ्रेंड्स, ऑनलाइन टेक सब कुछ हिंदी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। लाल से लिखे सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर लें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं SBI CSP पोर्टल पे इन दिनों एक नई चीज़ देखने को मिल रही है, उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। ये जो है एक जो है SBI CSP पोर्टल का बग भी हो सकता है या आने वाले दिनों में ये एक अपडेट भी हमारे CSP के लिए हो सकता है, उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको एक इमेज दिख रहा होगा जिसमें कि यहाँ पर एक आदमी का विड्रॉल किया जा रहा था, पैसा विड्रॉल करने के लिए जो है इसको प्रोसेस में डाला गया था। फिंगरप्रिंट लेते टाइम एक यहां पे चीज देखने को मिली है, यहां पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है प्लीज कैप्चर ऑल योर फिंगरप्रिंट मैंडेटरी एट योर BC पॉइंट ऑन और बिफोर, यहाँ पे डेट मेंशन किया हुआ है 31/5/2023 तक इसको जो है कैप्चर कर लेना है। तो यहाँ पे जो ये आप इमेज देख रहे हैं इसी के बारे में पूरा विस्तार पूर्वक हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो के नीचे लाल से लिखे सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि SBI CSP से रिलेटिव एंड CSE से रिलेटिव या खास तौर पर बैंकिंग से रिलेटिव कोई भी अपडेट आती है तो मैं समय समय पर इस चैनल पे अपलोड करता रहता हूँ। चलिए हम बात कर रहे थे इस इमेज के बारे में। तो पहले तो बहुत सारे लोग आकर के यहाँ पे हमारे चैनल पे या इस वीडियो पे कमेंट करने वाले हैं कि ये जो है इमेज जो है फेक है। तो सबसे पहले आपको मैं यहाँ पे विश्वास दिला देता हूँ और पुष्टि करता हूँ कि ये जो है बिल्कुल जेन्युइन जो है इमेज है और SBI CSP पोर्टल से लिया गया है। तो इस ये इमेज में क्या खास बात है कि हमें एक जो है वीडियो बनाना पड़ा इस इमेज पर? तो सबसे पहले यहाँ पर आपको पता होगा कल यानी कि कल से जो है बहुत सारे लोगों का जो है बहुत सारा चीज जो है SBI CSP पोर्टल पे अपडेट हुआ, जैसा कि मैंने आपको दो दिन पहले अपडेट हुआ है जिसमें कि मैंने आपको बताया कि वहां पे AEPS से रिगार्डिंग बहुत सारी चीज अपडेट की गई और बहुत सारे चीज जो है बहुत सारे लोगों का जो है ID लॉगिन नहीं हो पा रहा है, उन लोग का लॉगिन नहीं हो पा रहा है जिनका आधार इनेबल नहीं है उनके ID में, चाहे वो मेन की हो चाहे सब की हो। अगर आपका भी उस तरह का नॉट अलाउ का अगर प्रॉब्लम आ रहा है तो आप जो है अपने BC से कॉन्टेक्ट करके आधार इनेबल करा लेंगे तो आपका ID लॉगिन हो जाएगा। उसी दिन से ये जो एक एरर देखने को मिल रहा है जो अभी आपके स्क्रीन पे शो हो रहा है, ये किसी कस्टमर का ऐसा जो है एरर आ रहा है और उस कस्टमर का जो है पैसा विड्रॉल नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे बात करने वाली बात है कि अभी तक जो है इसका जो है कोई भी ऑफिशियल जो है इस तरह का कोई भी सूचना नहीं दिया गया है हम किसी भी CSP को, और ये कभी कभार जो हमारे CSP पोर्टल पर इस तरह का बग देखने को मिला हुआ है। तो यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर CIF नंबर एंट्री किया गया है विड्रॉल के लिए और यहाँ पे ये जो एरर आ रहा है प्लीज़ कैप्चर ऑल योर फिंगरप्रिंट मैंडेटरी एट योर BC पॉइंट और बिफोर, यहाँ पे मेंशन किया हुआ है डेट। सबसे चिंताजनक ये बात है कि आने वाले दिनों में हमारे लिए ये अपडेट भी हो सकता है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको बता दूँ कि यहाँ पे मेंशन किया गया है डेट 31/5/2023 तक इसको जो है कैप्चर कर लेना है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या चीज़ दिक्कत आ रही है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि जो भी अभी अकाउंट हम जैसे अकाउंट ओपन करते हैं तो EKYC के माध्यम से खोलते हैं और जो भी उसका आधार में फिंगरप्रिंट होता है उसी को जो है हम वेरीफाई करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। पहले जो अकाउंट हम खोल चुके हैं उसमें क्या था कि हमें केवल 6 फिंगर को कैप्चर करना था, यानी कि अभी आप जो भी माइनर अगर अकाउंट खोलते होंगे तो देखते होंगे किसी भी कस्टमर का अगर आप फिंगर कैप्चर कर रहे हैं, चाहे अगर माइनर अकाउंट नॉर्मल खोल रहे हैं या मेजर अकाउंट, उसमें 10 का 10 फिंगर जो है कैप्चर करना है, उसके बाद वो कंप्लीट होता है, आगे प्रोसेस होता है। पहले ऐसा नहीं था, पहले ऐसा था कि 3-4 फिंगर अगर आप कैप्चर कर लिए तो उसके बाद जो है आप जो है उसको प्रोसीड कर देते थे और 3 फिंगर सेलेक्ट करने के लिए आता था, केवल 3 फिंगर ही जो आगे के लिए प्रोसीड होते थे, यानी कि हम कोई भी अगर अकाउंट पहले खोलते थे तो उसमें हम जो है मैक्सिमम 10 में से 6 फिंगर हम कैप्चर करते थे जिसमें कि हमें लास्ट में जो है 3 फिंगर को सेलेक्ट करना होता है कि कौन सा बढ़िया फिंगर आया है, 3 फिंगर को कि उसी को हम सेलेक्ट करते थे और अभी तक वही जो है हमारे सर्वर में SBI के सर्वर में वो सेव फिंगर हुआ है और उसी से हम
जो है CIF से पैसा विड्रॉल करते हैं। तो यहाँ पे आने वाले दिनों में इस तरह का बग देखने को मिल रहा है, तो आने वाले दिनों में हो सकता है कि ऐसा सर्कुलर आए कि जो है जो हम 3 फिंगर सेव किए हैं जिस कस्टमर का, हो सके तो उस कस्टमर का जो आने वाले दिनों में हमें 10 फिंगर जो है कैप्चर करके सबमिट करना पड़े। तो यहाँ पर इस तरह का जो है बग देखने को आपको भी मिला होगा, अगर आपके भी ID पे इस तरह का अगर बग देखने को मिला होगा या इससे रिगार्डिंग अगर कोई भी आपको सूचना मिली हो तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। और यहाँ पे खास तौर पे ये चिंताजनक इसलिए है कि यहाँ पे डेट मेंशन किया हुआ है, यहाँ पे 31/5/2023 तक इसको कंप्लीट कर लेना है। ये कुछ कुछ कस्टमरों का इस तरह का बग देखने को मिल रहा है, हालांकि इसकी अभी मैं पुष्टि नहीं कर सकता कि आने वाला अपडेट क्या है या क्या है। बस इस इमेज को देख करके मुझे लगा कि एक वीडियो पोस्ट करना चाहिए और इसके बारे में अधिक जानकारी हमें लेना चाहिए। तो आपको भी ऐसा बग देखने को मिला है आपके पोर्टल पे तो आप ज़रूर कमेंट करें इस तरह का बग देखने को मिला। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये चैनल अच्छा लगता हो, SBI CSP से रिलेटिव, SBI CSP से रिलेटिव ये आपको अपडेट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो के नीचे लाल से लिखे सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह का महत्वपूर्ण वीडियो आपको मिलती रहे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के महत्वपूर्ण अपडेट के साथ।